वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको ये सीरीज मिलेगी शाम को 5 बजे लाइव क्लास के अंदर। आज अपने सीरीज नंबर 2 नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको लगभग 500 से ज्यादा जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की चर्चा इसमें इस क्लास के अंदर अपने करते जाएंगे। इसमें आपको जनवरी 2023 से जून 2023 तक आपका पूरा करंट एकदम क्लियर करवाया जाएगा। इसमें आपको राष्ट्रीय प्लस राजस्थान दोनों का आपको करंट अफेयर्स की ये सीरीज चलाएगी है। इसमें आपको लगातार आपको सीरीज मिलेगी। जो विद्यार्थी सूचना सहायक भर्ती की तैयारी कर रहा है संगणक के लिए और जूनियर अकाउंटेंट, और ये लगभग आरएएस के लिए भी आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो ये कल अपने सीरीज नंबर 1 की चर्चा कर ली, अब सीरीज नंबर 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी वीडियो में छोटे पार्टों में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको छोटी छोटी क्या याद हो सके, ठीक है। इसमें तो इसलिए आपको मैं धीरे धीरे क्या है छोटे छोटे पार्टों में ये कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है करंट अफेयर्स एकदम क्लियर हो जाए, एकदम आपकी याद हो जाए। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, क्योंकि शाम को आपको ये 5 बजे रोजाना आपको ये क्लास मिलेगी और इस क्लास के अंदर आपका करंट अफेयर्स का सुपड़ा सा हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम राजस्थान के जो 10 क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अपने 20 क्वेश्चन इंडिया करंट की चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, और इसकी अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। अलग से यूट्यूब के अंदर क्या चैनल पर अपने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको इसकी जो है 500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगी। तो राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, तो मारवाड़ किसको बोलते हैं, जोधपुर के अंदर, ठीक है। कहां पर की जाएगी, जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। दूसरा, प्रदेश में किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से लेकर लगभग 20 अगस्त के बीच में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वो करेगा युवा मामले और खेल विभाग। ऑप्शन नंबर सी कौन करेगा, युवा मामले और खेल विभाग है वो, उसकी ओर से इसका राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। नैरो गेज पर है प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये चलेगी कामली घाट से फुलाद, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कामली घाट से लेकर है फुलाद तक ये ट्रेन है चलेगी। कौन सी है ये, नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन है चलेगी। चौथा क्वेश्चन, पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है। तो एक पुस्तक है डाबरारी दुनिया, इसके लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य जो पुरस्कार है वो 2000 किसे दिया जाएगा, तो ये दिया गया है किरण बादल को, ऑप्शन नंबर 1, किसको दिया गया है, किरण बादल को ये पुरस्कार है दिया जाने की घोषणा हुई है। 5 नंबर देखो, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर पर देना सुनिश्चित किया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 100, कितने, 100 कलाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 100, मुख्यमंत्री 100 यानी कि लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 तक है 100 दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा, कितने, 100 दिन के लिए। छठा क्वेश्चन, युवा खेल व कौशल विकास मंत्री अशोक चांद्रा ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो अपने युवा खेल और कौशल विकास मंत्री कौन है, अशोक चांद्रा, उन्होंने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया, तो ये किया है, ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी में, ठीक है। रामगढ़ विषधारी है कहां पर है, ये है बूंदी के अंदर, ठीक है। कहां पर है, ये है बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी, और इसके अंदर अशोक चांद्रा ने जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है, जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है, जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया, तो ये है, ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर। कहां पर है ये, जैसलमेर जिले में स्थित है।
8 नंबर, शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के लिए दायर फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जा चुका है, ठीक है, 27 जून 2023 को, कि शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, बीडी कल्ला के द्वारा, ठीक है, अपने जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, बीडी कल्ला, उनके द्वारा डायल फ्यूचर का शुभारंभ किया गया। 9 नंबर, मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मोटे अनाज, अब की बार आपको पता है कि मोटा अनाज जो होता है ना, तो उसको 2023 के लिए क्या है, मोटे अनाज को, मोटे अनाज के रूप में बाजरा को क्या 2023 के लिए उसको घोषित किया गया है मोटे अनाज के रूप में। तो इसमें महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बनाया है मीरा को, ऑप्शन नंबर ए, इसको बनाया है मीरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट वह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू कहाँ मनाया जा रहा है? तो राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू है वो कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कोटा जिले के अंदर, कहाँ पर बन रहा है, कोटा जिले में इसका जो है रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। तो ये 10 क्वेश्चन अपने राजस्थान करंट कर दिए, अब बाकी के अपने इंडिया करंट की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय निशानेबाज स्वयं ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय निशानेबाज स्वयं ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको ये क्लास है ना, एक प्रकार से मान के चलो आपके लिए चुन चुन के एक पता करंट अफेयर्स का आपके लिए यहाँ पे निचोड़ ही मिल रहा है आपको, एक प्रकार से राजस्थान और इंडिया दोनों का ही। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में, ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सोलो को, ऑप्शन नंबर ए, इसको किया गया है सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो वो बनी है, ध्यान रखना, शालिनी सिंह है, ऑप्शन नंबर ए, कौन बनी है, शालिनी सिंह है, बन चुकी है। 15 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, अपने भारत देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया है। और अभी आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिस्र का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो भी उनको सम्मानित किया गया, और सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है, ध्यान रखना, यूएई के, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, कौन सा आईआईटी लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा आईआईटी है वो लगातार 5वें वर्ष भी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर है? तो वो है आईआईटी मद्रास, कौन सा है, आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पर चल रहा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से नए नाम से जाना जाएगा? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा अहिल्याबाई होलकर के नाम से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किस नाम से, अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा।
नेक्स्ट है, 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये है वो इसकी मेजबानी करेगा। 21 नंबर, मेकेदातु परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों का चर्चा का विषय बन चुकी है? मेकेदातु परियोजना है किन दो राज्यों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। मेकेदातु परियोजना यानी कि जल दोनों राज्यों के बीच में क्या है, ये एक दोनों राज्यों के बीच में एक सीमा पर स्थित है ये परियोजना, मेकेदातु परियोजना। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में चर्चा का विषय, विवाद दोनों के बीच में बनी हुई थी। महाभारत में किरदार निभाने वाली किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो महाभारत में किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो वह है गुम्फी पेंटर, ऑप्शन नंबर एक, जिसको बोलते हैं शकुनी मामा। पढ़ा है क्या आपको, याद आ रहा क्या है, शकुनी मामा, ठीक है, शकुनी मामा। ये शकुनी मामा का निधन हो चुका है अभी, जो महाभारत में किरदार इन्होंने निभाया था, और उनका नाम है गुम्फी पेंटर। भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारत के सुनील कुमार ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया है? किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया? ये किया है अपने देश भारत ने, ठीक है, किसने किया है, अपने देश भारत ने पहला नेविगेशन प्रदर्शन किया है। किस शहर का AIIMS अस्पताल राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? यानी कि एम्स अस्पताल है, एम्स बोलते हैं इसको, ये किस शहर का एम्स अस्पताल है जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? तो ये है, ध्यान रखना, किस शहर में, नागपुर का ये, ठीक है, नागपुर के अंदर है ये एम्स अस्पताल, और ये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल है, बन चुका है। भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान विपोर जो आया है, इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है? आपको बताया काफी दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले विपोर जो बहुत ही चर्चा में रहा था चक्रवाती तूफान, अब इसका जो असर बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन इसका नाम है वो दिया था बांग्लादेश, किसने दिया था इसका जो विपोर जो नाम है ना, वो किस देश ने दिया था, बांग्लादेश ने इसका नाम है दिया था। ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, और वो बन चुका है इजराइल देश, कौन सा बन चुका है, इजराइल देश बन चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैंने आपको छोटी सी अलग से क्लास भी दे दी है, किसने कितने पदक जीते, कौन सी टीम ने हराया, कहाँ पर हुआ, पूरी मैंने आपको एक क्लास दी है छोटी सी, जिसमें पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा, तो वो रहा था कौन सा, पंजाब यूनिवर्सिटी, कौन सी रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें सबसे टॉप पर रही थी। अगला क्वेश्चन, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने कौन सा पदक जीता है? तो क्या है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर है चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बन चुकी है, ध्यान रखना, एन मुथमिजे सेल्वी, ऑप्शन नंबर बी, कौन है, एन मुथमिजे सेल्वी है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बन चुकी है। किस दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और ये किया है ईरान देश ने, किसने किया है, ईरान देश ने सफल परीक्षण किया है। आगे ध्यान रखना, 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत में किस राज्य का पहला स्थान है? यहाँ ध्यान रखना, 5वें कर लेना, ठीक है, 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत में किस राज्य का पहला स्थान है? वो स्थान है, ध्यान रखना, किसका, केरल का पहला स्थान है। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताओगे इसके अंदर है राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आप बताओगे, ठीक है, इसके अंदर है राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर है,
भारत के अंदर सबसे टॉप पर है केरल, जिसमें आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में यह बताओगे कि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? यह की है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। इसने की है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह किया है डीआरडीओ ने। इसने किया है डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। नाटो के मुकाबले में किस देश में एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? नाटो के मुकाबले में किस देश के अंदर एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित हुआ? ये इतिहास के अंदर सबसे बड़ा अभ्यास है। ये किस देश के अंदर आयोजित हुआ है? ये हुआ है जर्मनी के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? ये जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? इस तरह की क्वेश्चन आपको ज्यादातर लगभग एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? तो वो लगाएगा गुजरात के अंदर। किस राज्य में लगाएगा? गुजरात राज्य के अंदर लगाएगा। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली किस अंग्रेजी महिला समाचार का निधन हो चुका है? तो राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर एक भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार थी, जिसका नाम था गीतांजलि अय्यर। ठीक है, गीतांजलि अय्यर, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। एक महिला समाचार पत्र थी गीतांजलि अय्यर, और इन्हें भारत की पहली अंग्रेजी महिला थी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये आज की क्लास के थे 37 क्वेश्चन। तो लगातार आपको ये सीरीज मिलेगी, बस थोड़े थोड़े लगभग 30-35 क्वेश्चन अपने डेली करते जाएंगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से करंट है वो तैयार होता जाएगा। ये सीरीज आपको लगातार मिलेगी। लगभग मैं 500 से आपको ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लगभग जनवरी से लेकर जून तक आपको इतना करंट करवा दूंगा, इस क्लास के अंदर पूछो मत आप। तो ये सीरीज आपकी लगातार मिलेगी। आज अपने पार्ट नंबर 2 की चर्चा कर ली है, कल अपने फिर से इसी टाइम 5 बजे पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।